कुशीनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ 10 चीनी मिले हैं, फिर भी यहाँ के गन्ना किसान खून के आंसू रो रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद गन्ना बाहुल क्षेत्र होने के चलते इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। जनपद में 10 चीनी मिल स्थापित हैं, लेकिन वर्तमान समय में 5 चीनी मिल बंद पड़ी हैं, जिसके चलते आज गन्ने की समस्या से किसान जूझ रहा है। एक तरफ गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तो वहीं चीनी मिलों पर किसानों का 136 करोड़ के लगभग गन्ने का भुगतान बकाया है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने के फसल भरोसे यहाँ के किसानों का भरण पोषण होता है, लेकिन चीनी मिलों के रवैये व मौसम की मार से धरती का अन्नदाता किसान आज जूझ रहा है। इन किसानों का दर्द ना तो यहाँ का कोई अधिकारी समझ रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसे में यह किसान जाएं तो जाएं कहाँ और अपनी पीड़ा कहें तो किससे कहें। जब इनकी आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, तो वह खुद अपनी आवाज बनकर अपना दुखड़ा सुनाने सूखे गन्नों का गट्ठर लेकर तहसील मुख्यालय कप्तानगंज पहुंच गए और इन्होंने तहसील प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि किस तरह अपनी गाढ़ी कमाई व कर्ज लेकर गन्ने की उपज पैदा करने में लगा दिया, लेकिन मौसम की मार से जब खड़े गन्ने की फसल सूख गई तो इनकी कमर ही टूट गई। बच्चों की पढ़ाई से लेकर कापी किताब, स्कूलों की फीस और भरण पोषण की तमाम व्यवस्थाएं किसानों की इसी गन्ना की फसल पर टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ गन्ना खेत में ही सूख गया है। कुछ किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन इनका दर्द कोई सुनने कोई जानने वाला नहीं है। किसानों ने बताया कि हम छोटे किसानों का गन्ना खेत में सूखने से वो सभी कर्ज में डूब गए हैं, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा, ना ही शासन प्रशासन से मदद मिल रही है। वहीं जिला गन्ना अधिकारी ने द इंडियन ओपिनियन को बताया कि चीनी मिलों से वार्ता करके किसानों का बकाया भुगतान दिलाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। द इंडियन ओपिनियन के लिए कुशीनगर से गोविंद पटेल की रिपोर्ट। जनपद में 5 चीनी मिलें संचालित हैं, जिसपे टोटल बकाया जो है 136 करोड़ 32 लाख रुपए का इस समय बकाया है। और जब हम बात करते हैं चीनी मिल वार कि किसपे कितना बकाया है, तो नंबर एक खड्डा चीनी मिल पर 13 करोड़ 14 लाख रुपए बकाया है। रामकोला पंजाब पे 40 करोड़ 86 लाख रुपए बकाया है। कप्तानगंज पे 39 करोड़ 28 लाख रुपए बकाया है। सेवरही पे 24 करोड़ 38 लाख रुपए बकाया है। साथ में हाटा बुजुर्ग या ढाड़ा बुजुर्ग पर जो है इस समय 18 करोड़ 64 लाख रुपए बकाया है। टोटल मिला के 136 करोड़ 32 लाख रुपए बकाया है। और जो पेमेंट है हमारा वो लगभग 87% पेमेंट हो चुका है। बाकी पेमेंट कब तक होने के आशा है और पेमेंट को लेकर किसान परेशान हैं? पेमेंट को लेकर के बराबर चीनी मिलों पे दबाव बनाया गया है और इस पर प्रयास किया गया। कल माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस पर चीनी मिलों की एक बैठक की गई हमारे साथ, जिसपे उन्हें सितंबर लास्ट तक टोटल पेमेंट करने के 100% भुगतान करने के निर्देश दिए गए। तो पेमेंट को लेकर के दबाव विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा बराबर चीनी मिलों पर बनाए गए हैं और शीघ्र इसका प्रतिफल के रूप में हमारा पेमेंट आने की पूरी संभावना। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।